यूपी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। देखो मेरे पापा 85 इयर्स के हो रहे हैं और अपने दोस्त से कैसे बातें कर रहे हैं। अच्छा आज दिमाग में कीड़ा उबला कैसे उबल गया तेरे साले, बहुत परेशान करा तूने एक दफे मुझे। अच्छा जी अच्छा परेशान नहीं करा था, तू कहता कि मैं फलानी औरत हूँ और ढिमकी औरत हूँ, मुझे तारी चाहिए और फलाना चाहिए, ढिमका फलाना ढिमका, याद नहीं तेरे। अरे अब हसरा यहाँ ना घुसो कुछ भी। ओ, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है आजकल? लखनऊ है? बनारस में बेटी है? दोनों बेगम भी साथ थी? वो लगता कहीं किसी को देख लिया हो? अच्छा संगम विहार है हमारा घर, बत्रा हॉस्पिटल मशहूर, बत्रा हॉस्पिटल है यहाँ, संगम विहार मशहूर जगह है। हाँ बिल्कुल संगम विहार में ये बत्रा हॉस्पिटल। हमदर्द यूनिवर्सिटी भी यही है बिल्कुल पास ही, दोनों मिले मिले हैं ये हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी और बत्रा हॉस्पिटल दोनों मिला मिले हैं। हाँ सामने तुगलकाबाद है। आ जाओ तो आ तो जा यहां से, जब ही तो देखे कुछ। हाँ बस भाई मैं यहाँ दिल्ली चला आया, रही रही बस, और तेरा तो जानने वाला और कौन रह गया वहां। बस अन्नू है, जहीरा है, यूसुफ है, बस और कौन है। हाँ और कौन था भाई माजी तो है, मास्टर माजी तो है अभी। अरे वो सलमान किन का बच्चा, उनका नहीं है हकीम, उनका इफ्तखार का सुफियान है वो तो। ना वो ये बच्चा पूछा कि इफ्तखार के लंडे का क्या नाम है, हकीम इफ्तखार के। वो था निका यार दाडल, जिसे फैज आम दवा खान ने बनाया था, हमने हम मौत आम लिख दिया करे थे जिसके उस पर जाके। बस तेरे यहां जब मुशायरा हुआ था, भाई राशिद बाहर से डले फेंक रहे थे और उसे सदर बुनार बिठा दिया था, वो कुर्सी टूटी हुई थी, उसकी धोती फट गई थी, तो याद ही तेरे आया याद। हाँ तो था ही अजीब सा आदमी। हाँ
यार वो था एक वो शख्स है ना, वो पता नहीं कहाँ क्या है, वो तो हाइड्रेल में जो था तेरे साथ था जो था। हाँ 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 वही का ठीक है। अच्छा और सुना भाई, अच्छा अच्छा कौन मास्टर माजी तो रिटायर हो गया तो बस अपनी खेती करना। तो ध्यान नहीं है उधर सिद्धार की तरफ जिधर वो हिंदुओं का वो है बना हुआ मूर्ता जलाने के बाद उधर उधर जमीन थी नहीं तुम्हें याद नहीं जाया करता था उसमें ही मास्टर के बाद उसके बाद तो फिर वो अपना खेती वैसे तो वो जब रिटायर हो गया था बहुत ज्यादा बीमार रहा उसको दिमागी तौर से भी कुछ गलत हो गया था लेकिन उसके बाद फिर ठीक ठाक हो गया भाई पे अब तो वो तो खेती में लगा हुआ अपने। भाई तारीख का लड़का जुनैद सहारनपुर है, गिजाली का तो इंतकाल हो गया था भाई। रशीद का लड़का जो है अब वो जो यहाँ से गंगो में जो ब्लॉक के पास जो जमीन थी इनकी वहां से इन्होंने सारों ने से पाट मूट के उसका मुगल दरबार बना दिया यानी दुकानें बना दी चारों तरफ। नहीं वो तो कोठी तो जू के तू है उसमें उसमत बरात घर बना रखा। अरे बस अड्डे पर था नहीं ब्लॉक के पास जो जमीन थी इनकी इसमें उन्होंने सारों ने अपना हिस्सा बखरा करके सही चारों तरफ दुकानें बना दी और उसका नाम रख दिया मुगल दरबार। और हाँ और ऊपर एक होटल खोल रखा उसने रशीद के लौंडे ने तो शाहजहान ने वो उसने उसी उन्हीं दुकानों के ऊपर अपने हिस्से में होटल खोल रखा है। वो तो उसकी निगरानी पर रहता है वहाँ बस अब हाँ तो वो तो फिर भाई उन्होंने वो सारी दुकानें तुड़वा तुड़वा के जितना भी जो थी पुरानी जमाने की जो काजी सुल्तान ने बना रखी थी वो तुड़वा तुड़वा के इन्होंने अपने हिस्से बखरे अलग अलग कर लिए। हाँ उसी में ये मेरा हिस्सा है ये मेरा हिस्सा है मेरा हिस्सा हाँ हाँ वही वही हाँ 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 वही वही मदरसा शेखर के सामने बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल अरबों रुपए की है भाई वो तो जी। मेरे पापा अपने बचपन के दोस्त से बात कर रहे हैं। नहीं बेटा नहीं पापा टीवी नहीं चला रहे हो तो बोल लियो मैसेज।
हाँ लड़कों ने क्या करता वो नहीं करा होता, मतलब जायदाद तो सारी काली सुदाई की बनाई हुई थी। हाँ और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई बिल्कुल बनी बनाई। भाई राशिद के होते हुए तो किसी पुलिस अफसर की भी बड़े से बड़े डीएसपी एसपी की भी हिम्मत नहीं थी जो बैठक पे बगैर वैसे आ जावे। सही बात है बिल्कुल। जमुना पे इन्हें भी धक्का दिया था ना ऊपर से चचा रशीद मसूद ने, जब जमुना पे शिकार करने गए थे इन्हें भी धक्का मिला था ना। हाँ सही बात है। दोस्ती इसी का नाम है, इसी को कहते हैं दोस्ती, जिंदा दिली। देखो इंशाल्लाह जाऊंगा मैं, इंशाल्लाह कल परसों मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं मिलूंगा मैं, लेकिन मैं ही कहूंगा क्या मुसीबत है, मेरा फोन क्यों उठाता।